स्वराज्य मराठी न्यूज आपल्या हक्काचं व्यासपीठ। नमस्कार, मी आकांक्षा पाटील स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करते। पाहुयात आजची एक महत्त्वाची बातमी। बेसुमार झाडांच्या कत्तलीमुळे आपल्या देशातील जंगले नष्ट होऊ लागल्याने निसर्गाचा समतोल बिघडला असून निसर्गाचा व पर्यावरणाचा समतोल राखायचा असेल तर कुटुंबातील एकातरी सदस्यांनी एक झाड लावून त्याचे संगोपन करावे। झाडे लावा, झाडे जगवा हा संदेश घेऊन छत्तीसगड येथील लिकमा गावचा योगेश कुमार मरकाम हा 24 वर्षाचा तरुण सायकलीवरून जनजागृती करत फिरत आहे। 26 मार्च 2022 ला त्याने गाव सोडून सायकल चालवत तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक व गोवा या 5 राज्यातील महत्त्वाच्या शहरात खेडेगावात जनजागृती करत तो महाराष्ट्रात पोहोचला असून पुढे तो उर्वरित 23 राज्यातील प्रमुख शहरात खेडेगावात जनजागृती करत 1 वर्षानंतर तो त्याच्या गावी पोहोचणार आहे। योगेश कुमार याने कोणत्याही संस्थेकडून अथवा संघटनेकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा न करता विना स्पॉन्सरशिप तो स्वखर्चाने जनजागृतीसाठी बाहेर पडला आहे। झाडे लावा, झाडे जगवा या संदेशाबरोबरच स्वच्छ भारत अभियान, सायकल चालवा, प्रदूषण टाळा व निरोगी राहा हाही संदेश देत आहे। प्रवासादरम्यान तो पेट्रोल पंप, धाबा, देऊळ अशा ठिकाणी मुक्काम करत तो तांदुळवाडीत पोहोचला असता स्वराज्य न्यूज चॅनेलवर आपली प्रतिक्रिया दिली। दरम्यान संपूर्ण भारतभर फिरून अवयवदान जनजागृती करून लिमका बुकमध्ये नोंद झालेले ढवळी तालुका वाळवा येथील प्रमोद महाजन यांनी त्यांची भेट घेऊन त्याला घरी घेऊन गेले व ऑल इंडिया रायडर ग्रुपच्या माध्यमातून योगेश कुमारला पुढील 23 राज्यात मदत मिळवून देऊ असे आश्वासन दिले। स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनेलसाठी आनंदा कांबळे, तांदुळवाडी। आपका नाम? हाँ जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है। पूरा एड्रेस? योगेश कुमार मरकाम, और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव का नाम है लिकमा, और डिस्ट्रिक्ट है धमतरी और स्टेट छत्तीसगढ़। आपको कैसा ये सुझा कि अपन कुछ करेंगे? हाँ, मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में भी और अपने एरिया में भी, क्योंकि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव में पिछड़ा गांव बोलते हैं, जो घने जंगल के अंदर में है, तो उस एरिया में ज़्यादा कुछ है नहीं। आदिवासी एरिया? हाँ जी, आदिवासी एरिया, तो उस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो उस एरिया से मैं कुछ करना चाहता था और अपने लाइफ में भी कुछ करना चाहता था, तभी मेरे को मैं सडनली डिसीजन लिया कि मेरे को साइकिलिंग करना है। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ये सुझाव कैसा है आपके मन में? मेरा साइकिलिंग करने का, भारत भ्रमण करने का एक ही मकसद है, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, उसके साथ अपने छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को प्रमोट करना। उसके साथ मैं हर भारतवासियों को मैं एक संदेश देता हूँ कि आप अपने जीवन में साइकिल का यूज जरूर करें, उससे क्या आप स्वस्थ भी रहोगे और अच्छा भी रहोगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक मैं संदेश सभी को देता हूँ। कितने दिन हो गए आप गांव मेरे को निकले? मैं 26 मार्च से मेरा राइड स्टार्ट हुआ था अपने गिरिग्राम लिखमा से, तो वहां से मैं स्टार्ट करके मैं अभी पहुंचा हूं। करंटली मैं महाराष्ट्र के आप लोग के गांव में, तो मेरे ये छठवां राज्य है, मैं 5 राज्य पूरा घूम लिया हूं।